रामायण की कहानी, राम सेतु में गिलहरी का योगदान। रामायण में गिलहरी की कहानी काफी प्रसिद्ध है। देवी सीता को हरण करके रावण उन्हें लंका ले गया। हनुमान जी समुद्र लंघ कर लंका गए और माता सीता का पता लगाकर लौटे। भगवान श्री राम माता सीता को रावण के कैद से छुड़ाने के लिए अविलंब लंका जाना चाहते थे। एक बाधा थी, लंका चारों ओर से पानी से घिरा था। समुद्र पर नल नील की अगुवाई में सेतु का निर्माण होने लगा। सेतु बनाने के लिए पूरी सेना पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में डालती थी। पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखने से वे समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते थे। ये देखकर सभी वानर खुश हो जाते थे और तेजी से पुल बनाने के लिए समुद्र में पत्थर डालने लगते। भगवान राम सेना का उत्साह, समर्पण और पुल बनाने का जुनून देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उस समय वहां एक गिलहरी भी थी जो मुंह में कंकड़ पकड़कर नदी में डालती थी। उसे ऐसा करते हुए एक वानर को देख रहा था। वानर गिलहरी को देखकर हंसने लगा। वानर ने कहा, हे छोटी गिलहरी, तुम यहां से दूर रहो, कहीं तुम इन पत्थरों में दब ना जाओ या समुद्र में डूब ना जाओ। तुम बेकार में ये सब कर रही हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो भागो यहां से। ये सुनकर अन्य वानर भी गिलहरी का मजाक उड़ाने लगे। ऐसी बातों को सुनकर गिलहरी बहुत दुखी हो गई। प्रभु श्री राम दूर से ये सब देख रहे थे। गिलहरी की नजर भगवान राम पर पड़ी और वह रोते हुए उनके पास आई। परेशान गिलहरी ने श्री राम से वानरों की शिकायत की। तब भगवान राम ने खड़े होकर वानर सेना को दिखाया है कि कैसे गिलहरी द्वारा लाए गए छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों ने बड़े पत्थरों के बीच में जाकर उन्हें कैसे जोड़ दिया। वानर सेना के सदस्यों की तरह गिलहरी भी पुल बनाने में योगदान दे रही है। उसके बाद भगवान राम ने प्यार से गिलहरी को अपने हाथों में उठाया। श्री राम ने गिलहरी के काम की प्रशंसा करते हुए प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। भगवान ने गिलहरी के छोटे से शरीर पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए। तब से माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफेद धारियां भगवान राम की उंगलियों के निशान हैं। ये थी राम सेतु के बनने में गिलहरी की कहानी। कहानी की सीख, दूसरों के काम मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी भी तरह का योगदान कार्य में महत्वपूर्ण होता है। दूसरों द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।